रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स फोरियर ट्रांसफार्म। जी, फोरियर ट्रांसफार्म बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फोरियर ट्रांसफार्म। और इससे पहले हमने फोरियर सीरीज देखी थी। फोरियर सीरीज जो थी वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल हो तो उसको आप साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक्सपेंशन कहलाती है। किसी भी सिग्नल को अगर आपने एक्सपेंड करना है तो आप उसको साइन और कोसाइन की शक्ल में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब ये जो सम है ये इनफाइनाइट सम है, वेयर एज द सेम थिंग आपके पास आ जाता है जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाते हैं। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ए पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए होता है, और ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सीरीज नहीं है। तो इसमें जो मेन कुछ डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि आपके पास एक इंटेग्रल आ जाता है, आपके पास इसमें टाइम पीरियड चूंकि नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है। और जब कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा नॉट नहीं है, तो आपके पास एन ओमेगा नॉट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अपना माइक बंद कर दें। हेलो, अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद जब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि ये ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है, तो एन ओमेगा नॉट तो सीन से गायब हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आपके पास एन ओमेगा नॉट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एन ओमेगा नॉट इज नॉट देयर इक्वेशन के अंदर। ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इसकी वजह यह है कि ओमेगा नॉट जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है फंडामेंटल टाइम पीरियड से, तो 1/T। अब चूंकि ये सिग्नल जो हम एनालाइज करते हैं यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म वो ए पीरियोडिक सिग्नल है, तो ए पीरियोडिक सिग्नल, और ए पीरियोडिक सिग्नल्स का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, नो टी। और जब टी नहीं है सीन के अंदर तो आपके पास ओमेगा नॉट नहीं है, आपके पास टी नहीं है। और जब ओमेगा नॉट नहीं है, टी नहीं है, तो नो एन ओमेगा नॉट। तो ये एन ओमेगा नॉट आपके पास नहीं है इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये चीज होती है कि इसमें नो एन ओमेगा नॉट होता है। फोरियर सीरीज में एन ओमेगा नॉट होता है क्योंकि फोरियर सीरीज में हर चीज जो है वो ओमेगा नॉट का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है। लेकिन ऐसी कोई चीज फोरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं है। सो कीप इन माइंड, फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट डील विद एन ओमेगा नॉट। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके साथ डील करता है? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपका एक सिग्नल लेता है, और वो सिग्नल क्या है? एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ये आपका सिग्नल है, और इसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जब ऐसा करता है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अब एन ओमेगा नॉट नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा बन जाएगा। तो नाउ दिस ओमेगा कैन नॉट बी रिटन एज इक्वल टू एन ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा नॉट जो है ये क्या बन गया आपके पास? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल आ गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ओके, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि जब मैं एन ओमेगा नॉट लिखता हूं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता क्योंकि उसमें ओमेगा नॉट के मल्टीपल पड़े होते हैं जो कि डिस्क्रीट लोकेशन पे पड़े होंगे। उसमें होगा 1 ओमेगा नॉट, फिर जंप होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, 2 ओमेगा नॉट होगा, फिर 3 ओमेगा नॉट होगा, फिर 4 ओमेगा नॉट होगा। ये सारी लोकेशन होंगी लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, जंप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वेयर एज इन फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है।
ये आपके पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये आप देखें, ये आपके पास फोरियर सीरीज आ गई, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे ये ओमेगा नॉट, ये टू ओमेगा नॉट, ये थ्री ओमेगा नॉट के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है, बीच में नहीं है कोई एक्टिविटी, ये क्या है, एफ एस है। वेयर एज नाउ इफ यू गो टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पे ओमेगा दे देगा और इस किस्म का कोई सिग्नल होगा, कंटिन्यूअस सिग्नल पड़ा होगा, उसमें ये डिस्क्रीट सैंपलिंग नहीं होगी। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन एफ एस, इसमें क्या होता है, एन ओमेगा नॉट होता है, और आपके पास जो ओमेगा है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म डील्स विद कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ डील करता है, ठीक है, आपको बात समझ आ गई, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ डील करता है। और वेयर एज ऑन द अदर पार्ट जो आपके पास फोरियर सीरीज है वो डिस्क्रीट के साथ डील करती है। ओके, तो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम ये फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म आखिर क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल हमारे पास मौजूद है, हम उनको प्रोसेस करना शुरू कर दें, व्हाई वी नीड फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिकली मकसद क्या है फोरियर सीरीज का या फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इन दोनों का मकसद ये है कि ये किसी भी सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में होता है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, टाइम डोमेन से उसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, बाद लोग इसको फोरियर डोमेन भी कहते हैं लेकिन चीज एक ही है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं आप। जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, जो इंफॉर्मेशन इस टाइम डोमेन में उस सिग्नल के अंदर पड़ी हुई है सेम इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, लेकिन होता यह है कि जब आप किसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इस अंदाज से रिप्रेजेंट हो कि आपको नजर आ जाए, और वही इंफॉर्मेशन टाइम डोमेन में पड़ी हुई है लेकिन थोड़ी सी हिडन है, छुपी हुई है, आपको नजर नहीं आ रही, सो मेक इट ऑब्वियस कि आपको नजर आ जाए, आप उसको एक और डोमेन में ले जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जब आप किसी सिग्नल को किसी डोमेन में ले जाते हैं तो वहां पे नई इंफॉर्मेशन पैदा हो गई है, नहीं, ये इंफॉर्मेशन उसमें पहले से मौजूद थी, टाइम डोमेन में भी ये मौजूद थी लेकिन आप उसको देख नहीं सकते थे, नाउ इन ऑर्डर टू सी इट यू हैव टू टेक इट टू अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन सिग्नल की चेंज कर दी आपने। ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑन दैट वन, लेकिन जस्ट ध्यान में ये रखें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा है, सिग्नल की इंफॉर्मेशन को ज्यादा नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा है, और बास सूरतों में चेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बेटर, ठीक है, तो वो चीज जो है वही होती है, लेकिन ये तो इसको देख लेते हैं। बट नाउ लेट्स गो बैक टू आवर फंडामेंटल क्वेश्चन, ये है कि हम क्यों करते हैं। नाउ अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो आपकी बुक का चैप्टर में ही ये शुरू में लिखी हुई है ये चीज कि लीनियर सिस्टम है, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम है, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम, तो लीनियर सिस्टम की खूबी होती है, आई एम नॉट सेइंग लीनियर सिग्नल, मैं लीनियर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंस रखना बड़ा जरूरी है कि लीनियर सिग्नल्स नहीं कह रहा हूं मैं, लीनियर सिस्टम, तो सिस्टम लीनियर होता है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, तो सिस्टम जो लीनियर सिस्टम होते हैं वो बड़े खास किस्म के सिस्टम होते हैं, जैसे मैं आपको अभी लीनियर सिस्टम, तो लेट मी टेक यू टू लीनियर सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम के अंदर एक खूबी होती है कि ये इनपुट को वन बाय वन ट्रीट करते हैं, अगर आपके पास एक इनपुट पे कोई सिग्नल आ गया और वो सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल वो किस चीज से बना हुआ है, एस वन प्लस एस टू दो सिग्नल हैं और एस थ्री, इन तीन सिग्नल से मिलके बना हुआ है, तो लीनियर सिस्टम क्या करेगा, वो एस वन को प्रोसेस करेगा कंप्लीटली सेपरेटली विदाउट लुकिंग एट एस टू एंड एस थ्री, फिर वो एस टू को प्रोसेस करेगा विदाउट लुकिंग इन टू एस वन एंड एस थ्री, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा, और एस थ्री को कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा, तो इन तीनों को अलग से ट्रीट करने से लेट से हमारे पास आंसर आ गए हैं P1, तो S1 प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया है P1,
S2 प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया है T2, और S3 प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया है T3. सो लीनियर सिस्टम आपको जो आउटपुट देगा वो भी इन रिस्पॉन्सेस का एडिशन होगा. Why? Because इनपुट पे भी आपके पास सिग्नल का एडिशन आ रहा था, तो उसने हर सिग्नल को अलग अलग ट्रीट कर लिया. तो अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्यों लीनियर सिस्टम की बात कर रहा हूँ. मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है और आपने उसको एक्सपेंड कर दिया फोरियर सीरीज में, तो आपके पास क्या आ गए, आपके पास एक सिग्नल की जगह सम ऑफ सिग्नल्स आ गए. और अब उसमें से क्या करेगा लीनियर सिस्टम, वो हर सिग्नल को अब अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर देगा, उनको उठाएगा और उनको ट्रीट करेगा. ठीक है, और उनको अलग अलग प्रोसेस करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो लीनियर सिस्टम हर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट ट्रीट करेगा. अगर आपने फूरियर सीरीज किया हुआ है तो लीनियर सिस्टम क्या करेगा, हर फ्रीक्वेंसी को, हर एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग ट्रीट करेगा. और जब उसको अलग अलग ट्रीट करेगा तो बास फ्रीक्वेंसियों को वो पसंद करेगा और बास से नफरत करेगा, और जिन फ्रीक्वेंसियों से वो नफरत करेगा उन फ्रीक्वेंसियों को वो सप्रेस कर देगा, और जिन फ्रीक्वेंसियों से वो प्यार करेगा उन फ्रीक्वेंसियों को बूस्ट अप कर देगा, बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा. अब ये जो है कि किसको एम्पलीफाई करना है, किसको रिड्यूस करना है, ये आप डिजाइन करते हैं. आप डिजाइन करते हैं एक सिस्टम को, एक फिल्टर को आप डिजाइन करते हो ताकि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सके. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फोरियर सीरीज है या फोरियर ट्रांसफार्म है, तो हम सिग्नल को उसकी फ्रीक्वेंसियों में डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम से गुजरेगा तो कौन सी फ्रीक्वेंसियां सर्वाइव कर जाएंगी और कौन सी फ्रीक्वेंसियां वो सिस्टम खा जाएगा, और जिन फ्रीक्वेंसियों को वो सिस्टम खा जाएगा वो फ्रीक्वेंसियां आउटपुट पे नहीं आएंगी, और सिग्नल में सिर्फ वही फ्रीक्वेंसियां रह जाएंगी जो कि वो सिस्टम अलाउ करेगा. लेकिन जब आउटपुट पे आएगा तो वो आउटपुट पे आपको क्या सिग्नल नजर आएगा, वो टाइम डोमेन सिग्नल ही नजर आएगा. आपको इनपुट भी टाइम डोमेन में सिग्नल नजर आएगा, आपको आउटपुट पे भी टाइम डोमेन में सिग्नल नजर आएगा, लेकिन उस टाइम डोमेन सिग्नल के साथ हुआ क्या है ये देखने के लिए आपको क्या चाहिए, फोरियर सीरीज का एनालिसिस चाहिए. क्यों ऐसा हो गया सिग्नल, अच्छा खासा सिग्नल अंदर गया था बिगड़ के बाहर आ गया, तो ये बिगड़ाव किसने पैदा किया, हु ट्रांसफॉर्म इट, ये क्या हुआ, ये देखने के लिए हम फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर नाउ Why we do Fourier series? लेकिन ये सारी की सारी चीज किस में होती है, लीनियर सिस्टम में होती है. तो मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो हम एनालिसिस के लिए लेके आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको लीनियर एंड टाइम इनवेरियंट सिस्टम बनाए, क्योंकि लीनियर और टाइम इनवेरियंट सिस्टम को एनालाइज करना आसान है. लेकिन याद रखना ये सिस्टम की खूबी है, लीनियर होना और टाइम इनवेरियंट होना ये सिस्टम की खूबी है, इसका सिग्नल से कुछ नहीं. कभी मत कहना जिंदगी में कि एक सिग्नल लीनियर और टाइम इनवेरियंट हो गया, ये कहना ही गलत है. सिग्नल कभी लीनियर और टाइम इनवेरियंट नहीं होता, सिस्टम होते हैं, सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरियंट होते हैं. तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास सिग्नल है तो सिग्नल की फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, सिस्टम का फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होता. तो कीप दोज इन योर माइंड कि सिग्नल और सिस्टम दो अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत करो आपस में. सिग्नल जो है वो इनपुट पे आता है और उस सिस्टम से गुजर के प्रोसेस होके आउटपुट से निकल जाता है. तो इनपुट पे जो सिग्नल आया हुआ है उसका भी फोरियर सीरीज हो सकती है अगर वो पीरियाडिक है, और अगर वो एपीरियाडिक है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा. इसी तरह आउटपुट पे जो सिग्नल निकलेगा प्रोसेस होने के बाद, सिस्टम उसको प्रोसेस कर देगा, उसकी भी फोरियर सीरीज अगर वो पीरियाडिक है तो फोरियर सीरीज होगी, और अगर वो एपीरियाडिक है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा. लेकिन सिस्टम का फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है. यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डेवलप हुआ. इनिशियली आपने देखा लास्ट टाइम कि हमने फोरियर सीरीज बनाई और हमने कहा कि फोरियर सीरीज सिर्फ उन सिग्नल्स के लिए होती है, उन सिग्नल्स के लिए होती है जो कि पीरियाडिक होते हैं. So Fourier series only for those signals which are periodic. So Fourier series only, अब मैं इस पे stress दे रहा हूँ, only for periodic signals.
फोरियर सीरीज ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स. अब ये सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए. अब हमारी लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में पीरियोडिक सिग्नल भी होते हैं और ए पीरियोडिक भी होते हैं. सो अगर हमारे रास्ते में एक ए पीरियोडिक सिग्नल आ गया, हाउ टू ट्रीट दैट सिग्नल, हम उसको क्या फोरियर डोमेन में लेके जा सकते हैं, उसको आज देख लेते हैं. ए पीरियोडिक सिग्नल आ गया, ए पीरियोडिक. अब ए पीरियोडिक सिग्नल क्या है? ए सिग्नल दैट डज नॉट रिपीट इन टाइम. ठीक है जी उसामा साहब, ये फरमाएं कहाँ है ये उसामा साहब. जी जी उसामा साहब पूछिए. हेलो ये उसामा साहब पूछिए क्वेश्चन. जी उसामा वहीद साहब. ओके आई गेस ही इज नॉट देयर इन द सीन. आगे चलते हैं. ये बेसिकली आपके पास एक ए पीरियोडिक सिग्नल आ गया. ए सिग्नल उस वक्त ए पीरियोडिक होता है जब वो रिपीट नहीं करता. जब रिपीट नहीं करता मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस सिग्नल में एक्स ऑफ टी, उस सिग्नल में क्या है, एक्स ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट. ये वाली इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो. अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ए पीरियोडिक सिग्नल है. सो लेट अस लुक इन टू वन सच सिग्नल. ये देखे ना मैंने आपको यहाँ सिग्नल दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये ए पीरियोडिक सिग्नल है. ये सिग्नल क्या है, ए पीरियोडिक. व्हाई? बिकॉज यू डोंट सी एनी अदर कॉपी ऑफ दिस आफ्टर सम टाइम. आपको इसकी कॉपी नजर नहीं आ रही आगे. इस साइड पे भी कॉपी नहीं है और इस साइड पे भी कॉपी नहीं. ये ए पीरियोडिक है. जी फैजान साहब पूछिए क्वेश्चन. हेलो जी फैजान साहब. मेरे ख्याल में काम करते हैं कि जब मैं लेक्चर खत्म कर लूंगा ना तो आप अपने क्वेश्चन अपने पास लिख लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है. तो देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा, यू कैन कम बैक एंड आस्क मी क्वेश्चन. ठीक है, तो अपना होल्ड करें अपने क्वेश्चन को और बाद में आके इसको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा. ठीक है, तो अब अगर आप इस सिग्नल को देखें तो ये है ए पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ए पीरियोडिक सिग्नल को ट्रीट करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ आर्सेनल के अंदर, हमारे टूल बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फोरियर सीरीज पड़ी हुई है. तो हम इसको, इस ए पीरियडिक को पीरियडिक बना लेते हैं. कैसे बना लेते हैं कि आर्टिफिशियली इसकी कॉपीज क्रिएट करनी है. देखे ना, ये एक आर्टिफिशियल कॉपी मैंने बना दी, कहाँ पे, टी नॉट के ऊपर. फिर एक और कॉपी बना दी, ये कहाँ बनाई हुई है, ये टू टी नॉट के ऊपर. ये आर्टिफिशियल कॉपीज हैं, ये एक्चुअली नहीं है सिग्नल के अंदर. लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैंने फोरियर सीरीज अप्लाई करनी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसकी कॉपीज बना रहा हूँ. ये देख, माइनस टी नॉट और ये वाली कॉपी मैंने बना दी माइनस टी टी नॉट, माइनस टू टी नॉट. जब मैंने ये कॉपीज बना ली तो अब ये जो ए पीरियोडिक सिग्नल है ये क्या बन गया, ये बन गया पीरियोडिक सिग्नल. ये आर्टिफिशियली मैंने लैब के अंदर बनाया, ये मेरे पास क्या बन गया, पीरियोडिक सिग्नल बन गया. अब जब पीरियोडिक सिग्नल बन गया तो मैं इसके ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकता हूँ. तो अब मैं जब इसके ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई की मैंने, तो मेरे पास इस किस्म की फोरियर सीरीज बन गई. इस पीरियोडिक सिग्नल की जो फोरियर सीरीज है ये आ गई मेरे पास. ये देख रहे हैं, ये मेरे पास इस पीरियोडिक सिग्नल का एफ एस है. अच्छा, अब मैंने क्या ट्रिक खेलना शुरू कर दिया, मैंने ये टी नॉट बढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक है, अब मैं इस टी नॉट को अगर मैं डबल कर दूं, जब मैं टी नॉट को डबल करूंगा तो क्या होगा, तो टी नॉट इज डबल. अगर मैं टी नॉट को डबल करता हूं, इसका मतलब है कि क्या हो जाएंगे, सेपरेशन बढ़ जाएगी. एक सिग्नल यहां पे है, अब होगा क्या कि ये जो बीच में एक सिग्नल था ये यहां पे था, अब ये कहीं बहुत दूर जाके कहां पे पैदा होगा, टू टी नॉट के ऊपर काफी पड़ी होगी. तो मैंने इसका टी नॉट क्या कर दिया, बढ़ा दिया. जब मैंने टी नॉट बढ़ा दिया तो मैंने इसका फोरियर सीरीज देखा इस डबल टी नॉट के साथ, तो मुझे फील हुआ कि ये है उसका डबल. इसको और ऊपर वाले को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि अब लाइंस क्या हो गई हैं, करीब करीब आना शुरू हो गई हैं. ये देख रहे हैं ये लाइंस, क्योंकि फोरियर सीरीज में लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एन ओमेगा नॉट होता है. अब ये क्या कर रही हैं, लाइंस करीब करीब आ रही हैं. अगर मैं टी नॉट को बढ़ाना शुरू कर दूं और लिमिट में ले जाऊं, ये देखें, अगर मैं इस टी नॉट को लिमिट में ले जाऊं और अगर मैं क्लेम करूं कि
टी जो है, चले मैं इसको, हाँ अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस टी को, इस कैपिटल टी को, टी क्या है, टाइम पीरियड है, इसको मैं इन्फिनिटी कर दूं, इतना ज्यादा कर दूं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट हो। जैसे वो कहते हैं ना, अगर आप किसी ट्रेन स्टेशन पे ठहरे हुए हैं और आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये जो ट्रेन की आमद है, ये एक पीरियोडिक इवेंट है या एन एपीरियोडिक है? तो अगर आप उसको सिर्फ टाइम, बाउंडेड टाइम के अंदर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो एक एपीरियोडिक है, एक बार ट्रेन आई है स्टेशन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास इतना सब्र हो कि आप 40 साल तक उसको देखें, तो जरूर वहां पे ट्रेन आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा टाइम पीरियड बड़ा हो, तो हर चीज क्या है, वो पीरियोडिक हो जाती है। तो अगर इस टाइम पीरियड को आप इंक्रीज कर दें, इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो क्या हो रहा है आपके पास, अब आपके पास जो है वो सिग्नल जो है वो, ये लाइनें इतनी करीब आ जाएंगी, इतनी करीब आ जाएंगी कि ये सारी लाइनें मिक्स हो जाएंगी। तो अगर आप इसको फोरियर डोमेन में देखें, जब टी इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये लाइन बहुत क्लोज क्लोज आ जाएंगी। ये देखें, ये इतनी क्लोज क्लोज आ चुकी हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये लाइनें इतनी क्लोज क्लोज आ चुकी हैं कि ऑलमोस्ट आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए। अब आप एन ओमेगा नॉट जो था वो खत्म हो गया, आपके पास ओमेगा आ गया और आपके पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको नजर आएगा। ये देख रहे हैं, तो ये चीज क्या बन गई, अब आपकी फोरियर सीरीज क्या बन गई, फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया अंडर दिस कंडीशन के t goes to infinity। अगर टाइम पीरियड को इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो फोरियर सीरीज क्या बन जाती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाती है। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं। और दोबारा अगली स्लाइड देखते हैं जी। तो अब हमारे पास, हमने देख लिया कि एक फोरियर सीरीज कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म बनती है। वो बनती है जब आप किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड बढ़ा दें और उसको लिमिट में ले जाएं और टी गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाए, तो उसकी पर्टिकुलर जो फोरियर सीरीज की इक्वेशन है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप अगर गौर से देखें, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको दो इक्वेशन नजर आती हैं। एक फार्मूला ऐसा है जो आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है। ये देखें ना, ये है वो, इसे कहते हैं फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये टाइम डोमेन में से किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल को उठाता है और उसको ले जाता है ओमेगा में। तो वी यूज दिस इंटेग्रल, इसमें समेशन नहीं है। अगर आपको याद हो फोरियर सीरीज में समेशन थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटेग्रल आ गया। ठीक है, और ओमेगा इसके अंदर जो वेरिएबल है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, तो जब आप डी टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो टी इसमें वैनिश हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा उसमें ओमेगा का वेरिएबल होगा। सही है, तो वी जस्ट से इन आवर वर्ड्स के इंटीग्रेटिंग आउट टी। सिमिलरली इस तरफ देखें तो ये है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस वन इज एन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम वापस जाते हैं, हम इनवर्स में जाते हैं, हम एक सिग्नल को लेते हैं जो फोरियर डोमेन में होता है, जो x of omega है। ये देखे ना, ये x of t था, ये small letters में लिखा हुआ है और ये capital x हो जाता है और ये omega का function बन जाता है। तो t is a continuous variable, omega is also a continuous variable। अब ये क्या हो रहा है कि अब आप आ गए हैं और ये जो formula है, ये inverse Fourier transform का, ये क्या करता है, ये आपके omega domain से आपके signal को उठा के दोबारा time domain में ले जाता है। So this is called inverse Fourier transform कि ये रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है ये फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म का है और ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म को यूं समझें कि ये एक मैपिंग है बिटवीन टू डोमेन, एक का नाम है टाइम डोमेन और दूसरे का नाम है फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन दोनों के दरमियान मैपिंग है। तो ये एक डोमेन से एक सिग्नल को उठाता है और उसको दूसरे डोमेन में ले जाता है। तो ये बेसिकली उसी सिग्नल को देखने के दो अंदाज हैं। आप उसको टाइम डोमेन में भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख सकते हैं। ओके,
तो इन, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सिग्नल को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ले जा रहे हैं, तो उस सिग्नल के अंदर जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है। आप इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते, जो इंफॉर्मेशन पहले से उस सिग्नल के अंदर मौजूद है वही। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात इस अंदाज में प्रेजेंट की जाती है कि आप उसको आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब वो ओरिजिनल डोमेन में होती है तो वो इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रही। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका एक फ्रेंड का हाउस है, आपने वहां जाना है, तो अगर आपको उस घर की पिक्चर दिखा दी जाए या फिर उसका एड्रेस दे दिया जाए कि स्ट्रीट 38 है, हाउस 1504 है, G91 इस्लामाबाद सेक्टर में, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों अंदाज जो हैं ये एक ही चीज को, एक ही लोकेशन को रिप्रेजेंट करें। एक जगह आपको पिक्चर दिखा दी गई है जिसमें घर की पिक्चर नजर आ रही है आपको, और दूसरे में आपको घर का एड्रेस दिखाया गया। तो कीप इन माइंड एग्जैक्टली सेम थिंग कि आपको एक सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में है, तो उसमें आपको ये ड्राइंग दिखाई गई, दिखा दी है घर की, और ये जो एड्रेस है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। बोथ आर वन एंड सेम थिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपने उसको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में ले गए, तो आप यूं समझें कि ये एक ही घर की लोकेशन है, वो एक ही सिग्नल है, सिग्नल चेंज नहीं हुआ। सिग्नल उसी वक्त चेंज होगा जब वो किसी सिस्टम से गुजरेगा, जब उसके ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई होगा। ओके, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली जो है वो सिग्नल ही रहा। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस। तो फोरियर जो था उसने बेसिकली ये क्लेम किया इन लास्ट सेंचुरी कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस डोमेन, टाइम डोमेन का कोई फंक्शन है तो वो एपरियोडिक सिग्नल है, तो उसको आप केयरफुली चोजन साइनोसाइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब केयरफुली चोजन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने जो साइनोसाइड चूज करने हैं वो कौन से होंगे, वो बड़े खास किस्म की एम्पलीट्यूड के होंगे और उनका एक खास फेज होगा। तो उनको जब आप चूज करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो सिग्नल बन जाएगा। हर एक साइनोसाइड से नहीं बनेगा, वो खास किस्म के कुछ साइनोसाइड होंगे जिनको आप ऐड करेंगे। वो उनको खास क्यों कह रहा हूं, उनकी तीन चीजें खास हो सकती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी खास हो सकती है। ओके, सो हियर इज, उनकी फ्रीक्वेंसी खास हो सकती है, उनकी एम्पलीट्यूड खास हो सकती है और उनका फेज खास हो सकता है। मैंने कहा ना फेज स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये तीनों चीजें हम बड़ी केयरफुली चूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड केयरफुली चोजन। तो ये ऐसे साइनोसाइड हैं जिनकी ये तीन एट्रीब्यूट्स हम चूज करते हैं, और जब हम इनको चूज कर लेते हैं केयरफुली, उसके बाद जब उनको ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, एक सिग्नल बनता है जो हम चाह रहे होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई सिग्नल है तो उसको आप जब डिकम्पोज करेंगे तो आप उसका जो केयरफुलनेस है वो ये है कि आपने ऐसा साइनोसाइड चूज करना है जिसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ये तीनों चीजें आपको पसंद आए, और इन तीनों चीजों की मदद से वो साइनोसाइड जो है वो पेश होता है। तो अगर इन तीनों चीजों के ऊपर बेस करते हुए आपने एक साइनोसाइड चूज करना है तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम अब क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या बनाऊंगा, वो दो किस्म के स्पेक्ट्रम बनेंगे, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब आप पूछेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत सारे हमारे जो सिग्नल होते हैं, जो टाइम डोमेन में सिग्नल होते हैं, जब उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती, उनमें से तीन चार फ्रीक्वेंसियां होती हैं। तो उन तीन चारों को बारी बारी किसी एक प्लॉट के ऊपर रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम पूरा का पूरा उसकी सारी फ्रीक्वेंसियों को इकट्ठे देख रहे होते हैं। तो जब आप looking at all the frequencies in one plot, that is called spectrum. So, looking at all frequencies, I need to clean it a little bit. All frequencies in one plot, तो उसे क्या कहते हैं,
स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने आपके सामने दो इंस्ट्रूमेंट रख दिए हैं। एक तो जाना पहचाना आपका ऑसिलोस्कोप है टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ठीक है। इसमें चैनल्स होते हैं, आप चैनल्स के जरिए स्वीप टाइम होता है और आप इसके जरिए कोई भी साइनोसॉइड देख सकते हैं। लेकिन जब आप इसी सिग्नल को, सेम सिग्नल को जो आपने यहाँ पे प्लग इन किया हुआ है, देखे ना, ये आपने सेम सिग्नल जो यहाँ प्लग इन किया हुआ है इस जगह पे, अगर आप इसको एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर को प्लग इन कर दें, ये वाला स्विच यहाँ से निकालें, ये वाली केबल यहाँ से निकाल के और इसके साथ कनेक्ट कर लें, आप देखेंगे कि अब क्या होगा, आपके पास इस किस्म का स्पेक्ट्रम आ गया। देखें इसकी स्क्रीन के ऊपर, ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर की स्क्रीन है, इसके ऊपर आपके ऊपर काफी सारा नॉइज नजर आएगा, इसलिए कि रियल लाइफ में सिग्नल क्लीन नहीं होते, लेकिन आपको कुछ पीक्स नजर आएंगे। देख रहे हैं ये पीक नजर आ रही है, ये एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरी रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसकी लेफ्ट साइड पे है, इसी तरह उसकी राइट साइड पे भी ये दो फ्रीक्वेंसियां हैं और बीच में ये डीसी कंपोनेंट है। ये देख रहे हैं आप, ये जो कंपोनेंट है ये डीसी कंपोनेंट है। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइन प्लॉट बना रहा है। तो इस चीज से मुझे अंदाजा हो रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये जो सिग्नल है क्या है, ये पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल में लाइन का ग्राफ बनता है। अगर ये पीरियोडिक ना होता तो ये लाइंस अलग अलग से नजर ना आती, ये लाइंस इतनी करीब हो जाती, इतनी डेंस हो जाती है कि आपको एक डेंस प्लॉट नजर आता, ठीक है। तो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट, कि इस तरह आपको जो है ना बड़ी ये पिक्चर नजर आएगी कि ये आपके पास साइनोसाइड होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर जो है आपके ये सिग्नल जो है ये आपको फोरियर डोमेन है। तो ये इसकी फोरियर डोमेन पिक्चर है, ये इनकी फोरियर डोमेन है, ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर, और ये क्या है, ये ऑसिलोस्कोप है। तो ऑसिलोस्कोप आपको टाइम डोमेन पिक्चर देता है, टाइम डोमेन, और ये आपको क्या देता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन देता है। ओके, सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि सिग्नल की केबल सेम है, आपने सेम केबल दी हुई है, देख रहे हैं, यही सेम केबल आपने यहां प्लग इन किया हुआ है इनपुट पे, और ये सेम केबल आप यहां दे रहे हैं। केबल आपने चेंज नहीं की, इसका मतलब है कि सिग्नल सेम आ रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई, ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन, these two are the representation of the same signal. एक सिग्नल आपको टाइम डोमेन में नजर आ रहा है, दूसरा सिग्नल आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन उसी एक सिग्नल की है, सिग्नल प्रोसेस नहीं हुआ अभी, ठीक है। But now the big question is, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक सिग्नल को जब डिकम्पोज करते हैं तो हम उसको साइनोसाइड में क्यों डिकम्पोज करते हैं, हमारे पास तो और भी बहुत सारी ऑप्शन है, हम इसको ट्रायंगुलर वे में ले जाएं, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वे में ले जाएं, या फिर हम उसको सार्टूथ वेव में ले जाएं, ठीक है। तो सार्टूथ वेव में, तो व्हाई वी आर ट्राइंग टू डिकम्पोज इट इनटू साइनोसाइड्स, हमें साइनोसाइड से क्यों इतना प्यार हो गया है, साइन और कोसाइन की सूरत में हम उसको क्यों डिकम्पोज करते हैं, साइनोसॉइड्स क्यों बनाते हैं उससे। तो द रीजन इज कि आपके पास मोस्ट ऑफ द सिस्टम दैट वी इनकाउंटर वो LTI होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं। तो साइन और कोसाइन की ये खूबी है कि जब ये किसी LTI सिस्टम से गुजरते हैं तो इनकी शेप नहीं चेंज होती, साइन जब कोसाइन जब LTI से गुजरेगा तो साइन कोसाइन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि साइन और कोसाइन गुजरा और वो ट्रायंगुलर वेव बन गया गुजरने के बाद, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये लेकिन ट्रायंगुलर वेव और बाकी वेव्स में ये खूबी बरकरार नहीं रहती, वो अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकते, ये अपनी शेप बरकरार रखते हैं। तो जब साइन और कोसाइन LTI सिस्टम से गुजरता है तो होता क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्या चेंज होता है इनका, फेज और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक फिल्टर है जिससे मैंने सप्रेशन का काम लेना है, नॉइस हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, सारी की सारी नॉइस फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन कौन सी फ्रीक्वेंसियां हैं जो नॉइज वाली हैं, उन सारी फ्रीक्वेंसियों को मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो क्या होगा, सिग्नल क्लीन अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिग्नल आया और वो सिग्नल इस किस्म का था, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉइज था, ये देख रहे हैं, ये नॉइज सुपर इम्पोज हो गया,
तो जब ये इधर से गुजरा तो क्या बन गया, ये नॉइस खाया गया और ये सिग्नल क्लीन अप होके बाहर आ गया। देखें इसके ऊपर अब नॉइस नहीं है इस सिग्नल के ऊपर। तो दैट बेसिकली हैपेंड ड्यू टू सम प्रोसेसिंग दैट यू डिड हियर। तो आपने देख लिया कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी में और नॉइस की फ्रीक्वेंसी में फर्क था, आपने जो ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी यू हैवंट टच्ड इट, ओके, और जो नॉइस की फ्रीक्वेंसी थी वो आपने कम्प्लीटली सप्रेस कर दी। तो जब आपने नॉइस की फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया तो क्या बन गया कि नॉइस की फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट में अपीयर नहीं हुई और सिंपल आपका सिग्नल क्लीन अप होके आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्लीन अप सिग्नल आ गया। ओके, सो दैट्स द मोटिवेशन बिहाइंड व्हाई वी गो फॉर फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। ओके, अब हम एक एग्जांपल पे जाते हैं जो मैंने आपकी बुक से उठाई है, बीपी लाठी की जो बुक है उसमें से उठाई है, और ये है बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कॉजल सिग्नल। ओके, पहली बात तो ये है कि ये कॉजल एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि ई टू द पावर समथिंग होगा, और आमतौर पर जो है वो हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होता है तो उसमें यह होता है कि नेगेटिव का साइन होता है ई के एक्सपोनेंट में। तो अगर आप इसको, मेरा ख्याल में बेहतर यह है कि हम फुल स्क्रीन पे ले आए, हाँ अब देखें इसको, यहाँ पे जो है ना आपके पास e टू द पावर ए टी है, ये देख रहे हैं, इसके साथ ये यू टी लगा हुआ है। यू टी क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन की वजह से इसको ये नाम मिला है कॉजल, क्योंकि यू टी क्या है, ये स्टेप होता है और ये बिल्कुल सोया होता है, और जैसे टाइम t इक्वल टू जीरो आता है ये जाग जाता है और फिर ये सारी जिंदगी जागते गुजार देता है। तो इसका मतलब है कि जब ये किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये e टू द पावर माइनस at के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसने क्या किया कि t इक्वल टू जीरो से पहले वाला पार्ट उसका जीरो कर दिया। तो आपके पास वो सारा का सारा एक्सपोनेंशियल जो है वो कॉजल एक्सपोनेंशियल बन गया, क्योंकि टी लेस देन जीरो पे सिग्नल की कोई एक्टिविटी आपको नजर नहीं आ रही। तो यू विल टेक दैट सिग्नल, ये आपने सिग्नल उठाया, ये आपके पास x of t, और इसके साथ आपने e to the power minus j omega t, अब e to the power minus j omega t, ये जो आप मैंने आपको फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला दिखाया था, ये भी बिल्कुल वही है चीज है, इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी हो रही है, और आपने ये x of t को अब ट्रांसफॉर्म करना है इनटू x of omega में। तो आप क्या करेंगे, x of t को एक मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस j omega t के साथ और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ut जो है ये इफेक्ट करेगा इस इंटेग्रल के लिमिट्स को, क्योंकि ut है तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से नीचे जीरो आ जाएगा। ये देखना, ये जीरो आ गया, अब यूटी हट गया यहाँ से। तो यूटी ने जो इफेक्ट किया वो ये किया कि उसने लिमिट्स को इफेक्ट करके अपना काम करके वो गायब हो गया सीन से, ठीक है। अब आपके पास सिग्नल क्या बन गया है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो अगर बेस दोनों की सेम हो तो पावर्स एड हो जाती हैं। तो ये देखें, ये पावर एड होके आ गई आपके पास यहाँ पे, देखें। और इसके बाद आपने इंटीग्रेशन किया, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है सेम एक्सपोनेंशियल होता है, सिर्फ ये होता है कि उसकी जो एक्सपोनेंट होता है उसका डेरिवेटिव लेके उसको हम वन ओवर कर लेते हैं। तो अगर हम डेरिवेटिव देखें यहाँ पे तो ए प्लस जे ओमेगा, ये वो चीज थी जो इसके एक्सपोनेंट में पड़ी हुई थी, उसको हमने वन ओवर कर दिया, ठीक है। और ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा, ये माइनस वन जो है ये आया है ये इस नेगेटिव की वजह से, देखे ना ये शुरू में नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव ये आ गया। अब आपके पास सेम एक्सपोनेंशियल आ गया, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट जीरो है। जब भी आपके पास ये इन्फिनिटी आती है ना, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये सिंबल है, ग्रेटनेस का सिंबल है, कोई बहुत बड़ा नंबर। लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये आपका डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है वो नंबर, ठीक है। आप 100 को ग्रेट कह रहे हो, मैं 1000 को ग्रेट कह रहा हूँ, कोई और बंदा आता है 10000, तो ये सिंबलिज्म है, ये ग्रेटनेस का सिंबलिज्म है, एक बहुत बड़ा नंबर। दैट्स व्हाई यू कांट से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ऐसा कह सकते हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए एक बहुत बड़ा नंबर एक बहुत बड़े नंबर के साथ ऐड होता है तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। लेकिन आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा नंबर एक बहुत बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको नंबर की वैल्यूज चाहिए,
और इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। तो इसमें बेसिकली जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप लिमिट लेते हैं। तो अगर आप लिमिट लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, टी गोज टू इन्फिनिट, तो टेंड्स टू इन्फिनिट, आप टी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का मतलब यह होगा कि टी की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई है कि वो इनफाइनाइट हो गई है, वैल्यू बिल्कुल एंड पे चली गई है। तो जब इस किस्म का कोई एटीट्यूड आप अपनाएंगे, तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर ये टी पड़ा हुआ है और वो नेगेटिव साइन के साथ है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो जब टी बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये सारा का सारा सिग्नल इतना डिके हो जाएगा कि ये ग्राउंड को टच कर जाएगा। जब ग्राउंड को टच करेगा ये जीरो हो जाएगा। ये देखे ना, ये सिग्नल यहाँ से वन से स्टार्ट हुआ टी इक्वल और ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है। और जब टाइम इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो ये टच कर चुका होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना छोटा हो चुका होगा, हालांकि हम टच नहीं कह सकते एसिम्प्टोटिकली स्पीकिंग कि ये बहुत क्लोज आ जाएगा, लेकिन ये इतना क्लोज आ जाएगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस हम कहते हैं ई टेंड्स टू जीरो। तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से इज मोर देन इनफ। तो हम इसको जीरो ले लेते हैं कि जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और e टू द पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो कहानी बनेगी वो ये बन जाएगी, ये देख रहे हैं। लेकिन इस सारी कहानी में ये कहना बड़ा जरूरी है कि a जो है वो जीरो से बड़ा है। नाउ व्हाई वी आर सेइंग कि a जीरो से बड़ा है, इसलिए कि अगर a नेगेटिव हो गया तो आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है, तो ये इस नेगेटिव के साथ गेम खेल सकता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल नहीं होता, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये a के जो है ये हमेशा जीरो से बड़ा हो। तो ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप ये वाला आंसर लिखेंगे, साथ आप ये वाली सपोजिशन जो आपने की हुई है ये भी डिस्क्राइब करेंगे। नाउ यू हैव दिस। अब आप जरा गौर से देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, तो हम इसके साथ एक छोटी सी गेम खेलते हैं, ठीक है, जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम नीचे a प्लस जे ओमेगा और साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, a माइनस जे ओमेगा और नीचे भी a माइनस जे ओमेगा। तो ये देखा ना मैंने क्या किया, कि ये जो मैंने इसका जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन जो है वो मैंने यहाँ पे, ये प्लस था जिसको मैंने इन्वर्ट करके माइनस कर लिया। अब उससे क्या होगा कि ये जब दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें ना, आपके पास ये वाली फॉर्मेट आ गई है। तो डिनोमिनेटर में से जे चला गया, तो हमारा आइडिया ये है कि डिनोमिनेटर में से हम ये निकाल लें पार्ट, ताकि हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो आपके पास जो चीज आ गई वो ये आ गई कि ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल अंडर द रूट आ गया, और साथ जो है उसके ये वाला पार्ट आ गया। देखें, e टू द पावर माइनस जे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स जो होता है ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, आई एम ओवर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका रियल पार्ट। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास इनवर्स टेन आ जाता है। तो जब इनवर्स टेन आता है तो हमें पता है कि इनवर्स टेन सिर्फ माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, ठीक है, तो इसको हम आमतौर पे आर्क टेन कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया, देखे ना, और उसने इसको मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बन गया, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम की जगह क्या बन गया, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया, दो वाल्स ठहरा दिए, ठीक है। और ये इसका फेज स्पेक्ट्रम है, देख रहे हैं फेज स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट करूं, इसमें अब टी नहीं है, आप बड़े गौर से देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे टी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ ओमेगा है, तो इट्स ए फंक्शन ऑफ ओमेगा ओनली, और इधर भी टी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्म हो चुका है और ये सारा का सारा सिग्नल अब क्या आ गया है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में आ गया। और अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट देखे ना, अब यहाँ पे पीक के ऊपर ये वन ओवर ए है, पीक पे क्या है ओमेगा जीरो है, तो अगर मैं इसके अंदर ओमेगा जीरो डाल दूं तो वन ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा वन ओवर ए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन ओवर ए है, और उसके बाद ये डिके करता है, नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, क्योंकि ओमेगा जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर किस में है, डिनोमिनेटर में है। तो जितना ओमेगा
रेज होता जाएगा ये सारी की सारी टर्म डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें और इसका फेज देखें तो फेज भी जो है आपका नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर टर्म में पहले ये माइनस पाई बाई टू से शुरू हुआ, जैसे इसने जीरो फ्रीक्वेंसी के बाद की जो इसकी सिचुएशन है, लेकिन ये हमेशा बाउंड होगा बिटवीन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के दरमियान, जस्ट बिकॉज के ये आर्क टैन। तो आप देख सकते हैं कि फेज भी कंटिन्यूस है और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एज वेल एज फेज स्पेक्ट्रम बोथ कंटिन्यूस, जबकि फोरियर सीरीज में एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैं देखो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और जो उसका फेज स्पेक्ट्रम होता है वो दोनों डिस्क्रीट प्लॉट्स होते हैं, लाइंस होती हैं वगैरह के साथ, ठीक है। तो विद दैट आई केम टू द एंड ऑफ द लेक्चर, तो अब मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है।